नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या बात है चाचा जी? खैर तो है? न जाने क्या बात है, मुंह से कुछ फूटते ही नहीं। अरे मैं मुंह से कुछ फूटा तो तू भी फूट फूट कर रोने लग जाएगी। हाय राम, मेरे पिताजी तो खैरियत से हैं ना? तेरे पिताजी तो खैरियत से है, तेरी बेटी के पिताजी की खैर नहीं। बताइए तो सही, किसी से मारपीट होगी क्या? सरकार ने मेरे पेट पर लात मारी है, मेरी हिकमत का लाइसेंस जब्त कर लिया हिकमत की रूह से। मगर वजह क्या है? वजह कोई माकूल हो तो बताओ। देखो एक 70 साल का बूढ़ा जो पहले मरा हुआ था, मेरी दवा से चल के बसा के सारे शहर में तूफान मच गया। मौत और जिंदगी भरा इंसान के हाथ की बात है, बता नहीं ना। कोयते में भूचाल आया, लाखों आदमी मर गए, क्या मैंने मरे? हवाई जहाज के हादसों से रोज आदमी मर जाते हैं, क्या मैं मरने जाता? नहीं ना, तो फिर दुहाई है, दुहाई यार। देर खाता ना होता तो एक हिम्मत कर लेता। अरे मुलठी, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अरे भाग्यवान नाड़ी देखकर सारे खानदान की बीमारी बता देने वाला नाड़ी होता क्या हिकमत की रूह से? आप चुप हो जाइए बाबूजी। चुप कैसे हो जाओ बेटी, तुम्हारी शादी की बात तो दूर रही, अब तो मुझे अपने पेट पालने की फिक्र हो गई। चाचा जी, एक दरवाजा बंद होता तो 100 दरवाजे खुलते। अरे मुझे तो कोई रोशनदान भी खुलता दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अरे भगवान, जब तक मेरा धंधा शुरू नहीं होता तू आशा को साथ लेकर अपने मैके चली जा। हाँ, और अगर हो सके तो 50 रुपया महीना बाकायदा वहां से भिजवाती रहना मुझे चुपके। क्या 7 सालों का एक ही बहन हुई हूँ, अगर 10-10 रुपया महीना भी भेजे तो 70 होते हैं, मैं तो 20 कम मांग रहा हूँ। मेरे बाप की टकसाल चलती है ना, मुझे तो खुश शर्माती वहां जाकर रहते हुए लड़की के साथ। मैं उनकी लड़की को 20 साल से खिला रहा हूँ, अगर वो मेरी लड़की को 2 महीने खिलाएंगे तो क्या उनका दीवाना निकल जाएगा? और सुन भगवान, वहां जाकर मेरा ढिंढोरा नहीं पीटना, अगर कोई पूछे तो यही कहना कि आयुर्वेदिक की डिग्री लेने बनारस चले गए हैं। बनारस जाने से पहले हमारा हिसाब चुकता करते जाइए गुरुदेव। अरे मेरा तो अपना हिसाब चुकता हो चुका है, कमीनो, लाइसेंस जबत, कारोबार ठप। यही खुशखबरी सुनकर तो हम आए हैं, अब हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते, हमारी बकाया तनख्वाह दे दीजिए। अरे जलीलो, कमीनो, बेशर्मो, शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे दिल पर हाथ रखने की बजाय पैसों के लिए हाथ फैला रहे हो? जाओ हट्टे गट्टे कमा कर खा हो जाओ। अरे जाओ शांति से काम लीजिए चाचा जी, मुसीबत किस पर नहीं आती, बस मेरे काम पर लगने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। चंदी बेटा, तू सचमुच मेरे लिए अमृत धारा बनकर आया है, तू घबरा नहीं, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें काम पर लगवाने की कोशिश करूंगा, फिर तुम मेरा ख्याल रखना है। माफ करना बहू। पिताजी, जब आपको दिखाई नहीं देता तो आप एक जगह आराम से क्यों नहीं बैठते? ठीक करती हो, चलिए आप ठीक करती हो, अपने घर चलिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कितना खूबसूरत फ्लावर वास पिताजी ने तोड़ दिया। अरे तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा। कौन कौन सी चीज लेकर आओगे? यहाँ तो अब यही चलेगा, इससे तो अच्छा था कि तुम उनके मकान का जुर्माना भर देते, कम से कम हमारी आजादी में फर्क तो न पड़ता। देखा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? आखिर वो मेरे माँ बाप है, उन्हें कहाँ फेंक दे? तो फिर मुझे फेंक दो। रेखा प्लीज ना। चलो ना शाबाश, जाओ। चलो स्कूल की तैयारी करो। चन्नी, तुम्हारे कॉलेज का वक्त नहीं हुआ? कॉलेज छोड़ दिया भैया। छोड़ दिया? वो क्यों? कॉलेज में फीस लगती है। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता। अगर तुम्हें इतनी गैरत है तो कुछ करके दिखा। इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। ले मुझे खेल दिंग शाबाश। देखा कितनी लंबी जुबान हो गई है इसकी। तुम्हारी नबज तो गधे की तरह दिख रही है। चलिए आप चलिए। सर
कंबल उतारिए, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये पसीना कंबल का नहीं है, शर्म का पसीना है, हिकमत की रूह से। चाचा जी, आप और यहाँ? क्या बताऊं भतीजे, कितनी शर्म की बात है कि शहर का इतना बड़ा हकीम और एक मामूली डॉक्टर से इलाज कराने आया है। चाचा जी, आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेते? वो बात यह है कि गवर्नमेंट ने मेरा लाइसेंस जब्त कर दिया है। अगर मैं अपना इलाज खुद करूं तो गवर्नमेंट को धोखा दूं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए दवाई। हाँ। और हर 3 घंटे के बाद एक गोली खा लीजिए। अच्छा। हाँ? और भतीजे, एक बात का जरा खास तौर पे ध्यान रखना कि मेरे यहाँ आने का किसी से जिक्र नहीं करना, मेरी इज्जत का सवाल है। एक मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, और देखो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब भेज दूंगा, कोई बात। अच्छा। कहाँ से आ रहे हो चाचा जी? चन्नी बेटा, वो मैं एक मरीज को मौत के मुंह से बचा कर आ रहा हूँ। मगर आपका लाइसेंस तो जब्त हो चुका है ना? अरे वो लाइसेंस तो दुकान का जब्त हुआ है, मगर मैं तो मरीज के मकान पर गया था हिकमत की रूह से। चाचा जी, उस मरीज का नाम कहीं डॉक्टर बलदेव तो नहीं? हिकमत की रूह से कहीं का। तू कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ आपके यहाँ। तो आ गया मेरा लाइसेंस वापस। अरे ओ मुलट्ठी, खोल दे दुकान। जी, ये चन्नी की चिट्ठी है, शायद कलकत्ते से आई। हाँ, अब खोलो खोलो। मिल गई नौकरी? कैसे नहीं मिलती, मंत्री ऐसा फूंका था लिफाफे पर मैंने। मैं सब भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मकान का बंदोबस्त करके मैं माल फिरोजी को कलकत्ते बुला लूंगा। वाह बेटा, हमें भूल गए। आपको कैसे भूल सकते? बस जल्दी हमें बुलाओ काली कलकत्ते वाली के चरणों में। मगर एक शर्त पर। हाँ बोलो बोलो। आप वहाँ जाकर हिकमत नहीं करेंगे? हाँ, हिकमत नहीं करेंगे, हिकमत की रूह से। हम कोई एक हुनर के उस्ताद थोड़े हैं, ज्योतिष शुरू कर देंगे ज्योतिष की रूह से। ये मेरा बाथरूम, ये मेरा किचन, ये मेरा ड्राइंग रूम और ये मेरा बेडरूम। और बेटा, मम्मी डैडी का बेडरूम? अरे हाँ, आपके लिए तो सोचना पड़ेगा। आपके लिए ये कॉट है। अरे बेटा जी, अपने मम्मी डैडी को क्या सर्वेंट क्वार्टर में रखोगे? इसमें क्या है, डैडी ने भी तो दादा दादी को सर्वेंट क्वार्टर में रखा है। मुन्ना, ज्यादा बातें नहीं किया करते। मास्टर जी बहन जी, आप किससे मिलना चाहती हैं? नमस्ते दीदी। सत श्री अकाल मास्टर जी, मैं तोड़े वाली आई थी, पला साढ़े मुंह पढ़ाना की शर्त है। बहन जी, मैं कुछ अपने फिक्र च पिया होया सी, इस करके थानू खबर नहीं कर सकिया। बाकी बुरा ना मनना, मैं हुण थोड़े मुंह पढ़ा नहीं सकांगा। कोई गल नहीं मास्टर जी, एलो अपनी फीस। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। इस वक्त ये 30 रुपए मेरे लिए 30,000 से कम है। मास्टर साहब, ये 20-30 रुपए के लिए अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेहनत की कमाई से किसी की इज्जत मिट्टी में मिलते आज पहली बार सुन रहा हूँ भाभी। मगर जब भाई की इज्जत वाकई मिट्टी में मिल रही थी, उस वक्त आपकी जुबान क्यों खामोश थी? मेरे किसी को 2 घड़ी पढ़ा देने से तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिलती है, मगर जब बूढ़ा बाप दिन रात मजदूरी करता था उस वक्त आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिली। भैया की पढ़ाई पर उठाए हुए कर्जे की बदौलत जद्दी मकान सरे बाजार नीलाम हो गया, उस वक्त आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिली। और अब जबकि वो सर्वेंट क्वार्टर्स में कैदियों की तरह दिन काट रही है, आपकी इज्जत। अगर तुम्हें उनका इतना दर्द है तो एक नया बंगला क्यों नहीं खरीद लेते उनके लिए, ताकि वह आजादी से रहे। एक तो मुफ्त की रोटियां दो उनको तोड़ने के लिए, और ऊपर से फिर ताने सुनो, बेशर्म कहेंगे।
जुबान काबू में रखो भाभी, ऐसा ना हो कि जवाब में मैं भी कुछ कह बैठूं। चन्नी होश में रहो, तुम यही सवाल भाभी से करो जिसे दौलत के गरूर ने अंधा कर रखा। अंधा वो तुम्हारे बाप है, जो अंदर बैठा है। काश मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी, तुमने आज बहुत छोटी बात की। बस मेरी बात पकड़ ली, और वो जो इतनी बकवास कर गया है उसका कुछ नहीं, आखिर मैं पराए घर की ठहरी ना, संभालो अपना घर। रेखा तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती और खुद क्यों नहीं समझती, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें नौकरी मिलने से बहुत खुशी हुई बेटा, लेकिन ये घर से इस तरह झगड़ा करके जाना अच्छा नहीं। झगड़ा खत्म ही समझिए पिताजी, अब कौन रहेगा इनके पास, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा पिताजी, हमारे बुढ़ापे का अब तू ही सहारा है, वहां जाके हमें भूज मत जाना। ऐसा मत सोचिए पिताजी। अच्छा माँ, झुक झुक जियो बेटा, पहली बार माँ से दूर हो रहा है, ध्यान से रहना परदेसी। फिक्र ना करो माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, कुछ दिनों में तुम्हें राज करा दूंगा राज। मैं क्या अब राज करूंगी बेटा, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद तेरा कंधा नसीब हो। वाह माँ, अब जब जीने के बिना है तो मरने की सोच रही है, मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा माँ, जाते ही राजी खुशी की चिट्ठी जरूर लिखना। माँ मैं लकीर का फकीर नहीं, चिट्ठी ना आए तो समझ लेना मैं राजी खुशी। जा रहा हूँ भैया, लेकिन जाने से पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माँ और पिताजी आप पर एक बोझ हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मेरी अमानत समझकर कुछ देर और अपने पास रखने की तकलीफ करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलो जाता है तो जाने दीजिए, जब खुद कमाना पड़ेगा तो होश आ जाएगा। लेकिन भैया को तो खुद कमा कर भी होश नहीं आया। नमस्ते। पीना शुरू कर दिया। अच्छा आज मैं बहुत उदास हूँ। ओ, तो कल से शराब भी पीना शुरू कर दोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिले बिना चल दोगे। मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं मिला। क्यों? मिलकर जुदा होने की घड़ी बहुत कठिन होती है। इतना छोटा दिन था नहीं, हालात ने बना दिया है। एक तो माँ और पिताजी की परेशानी, उस पर तुम्हारी जुदाई, मुझ में ये सहने की हिम्मत नहीं। लेकिन मुझ में ये हिम्मत है कि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए विदा करूं। आशा हौसले से काम लो, अब तो दुख के बादल छट गए, जरा आंखें बंद करके आने वाले दिनों को देखने की कोशिश करो। चलिए जब हम दोनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे और अपने माता पिता की इतनी सेवा करेंगे कि वो इन दिनों को भूल जाएंगे। ये क्या है? गाड़ी चलने की बात खोलिए। Bye.
नीलम परी ने अपने जादू से राजकुमार को तोता बना दिया। तोता बना दिया दादी? हाँ। और फिर तोता उड़ गया? नहीं, फिर तो दादी बात पूरी करके खासा करो ना। मुन्ने मुन्ने चल इधर। माँ जी ये तो बच्चा है, मगर आपको तो सोचना चाहिए कि आपको सांस की बीमारी है। मुन्ने को अपने से दूर रखा कीजिए। बहू मुझे कोई छूत की बीमारी तो नहीं? छूत की बीमारी किसी के माथे पे नहीं लिखी होती। माथे पर तो किस्मत का हाल लिखा होता है बहू, जिसे मुझ जैसा अंधा भी पड़ सकता है। बलदेव की माँ बहू को नाराज मत करो। मुन्ने चलो बेटे, तुम्हारे लिए कारीगरी का सामान लाना है ना, चल। चाची मैं तो कहती हूँ चन्नी के आने तक आप हमारे यहाँ रहिए। सुखी रहो बेटी, तुम्हारे कहना ही काफी है, मुझे बेटे की इज्जत का सवाल है। चलिए लाला जी, आज आपको सब्जी मंडी के सहकारी हूँ। अरे मंगल, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, हर रोज मुझे सैर को ले जाता है, मगर मुझ गरीब बंदे के पास दुआओं के सिवा है क्या तुम्हें देने को? ये दुआएं हर किसी को कहां नसीब होती है लाला जी। चलिए चल चल बेटा। दादा? अरे मुन्ना तू कभी नहीं चूकता, रोज मुझे गेट पर रोक देता है। गेट पे ही तो टिकट चेक होती है दादा। अच्छा अच्छा, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। अच्छा मुन्ना ये बताओ, आज अपने जन्मदिन पर अपने दादा को क्या दोगे? साइलेंस प्लीज साइलेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप इस टेबल के पास आ जाइए, अब हमारा मुन्ना राजा अपना बर्थडे केक काटेगा। चलो बेटा कैंडल बुझाओ, फूंक मारो, चल केक काटो। एक मुझे भी। जी माता जी, जी पिताजी। सुखी रहो बेटा। सरवन बेटा तुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है हमारे लिए। ऐसा ना बोलो माता जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। सरवन की माँ सच पूछो तो भगवान ने बेटे के रूप में एक देवता दे दिया है हमें, नहीं तो कौन बूढ़े और अंधे माँ बाप को अपने कंधों पे उठाए तीर्थ यात्रा करा सकता है? आपको तभी तीर्थ यात्रा करनी है पिताजी, मैं कितना भगवान, मेरे तीर्थ तो आप है। झुक झुक दियो बेटा। जब तक के है आकाश पे चांद और सितारे, हमारे
देखिए माँ, मैंने यहाँ कुछ चने ही रखे थे। वो तो मुन्ना ले गया, भूख लगी हो तो खाना ले आऊं। खाना तो मैं ले रहा हूँ माँ जी। मंगल, बाहर मेहमान बैठे हैं और तुझे इनके पड़े हैं। खाना कम पड़ गया तो? इतने आदमियों का खाना बना है बहू, इन दो रोटियों से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर घर वाले मेहमानों की बात खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बलदेव की माँ, बहू ठीक है, मैं भूख से मरा तो नहीं जा रहा हूँ। मंगल, खाना ले जा बेटा। हाय राव, ये दिन भी देखने थे। अभी तो और न जाने क्या क्या कुछ देखना बाकी है। ऐसा न कहिए, बस हमारी चन्नी के आने की देर है। मगर चन्नी भी तो मैं भूल गया, यहाँ से जाने के बाद एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।